इनके अलावा 12 लोगों को 121 ए में आजीवन कारावास और 10,000 रुपए का जुर्माना, 123 में 10 वर्ष की सजा और 50,000 रुपए का जुर्माना। स्वागत है आप सभी का एक और एपिसोड में। मैं सईद खान और आप देख रहे हैं हकीकत इंडियन टीवी। दोस्तों, संविधान तो एक है पर लगता है देश में कानून अब दो हैं। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में एनआईए की विशेष अदालत ने अवैध धर्मांतरण के मामले में दोषी करार दिया है मौलाना उमर गौतम को और मौलाना कलीम सिद्दीकी को। और मौलाना कलीम सिद्दीकी समेत 12 लोगों को बुधवार यानी कि आज उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। इसी मामले में 4 और लोग हैं जिनको 10-10 साल की सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने कल सभी को दोषी करार दिया था और आज यानी कि बुधवार को सजा का ऐलान किया गया। कोर्ट के आदेश के मुताबिक स्पेशल जज विवेकानंद शरण त्रिपाठी ने मोहम्मद उमर गौतम और मौलाना कलीम सिद्दीकी, इरफान शेख, सलाउद्दीन जैनुद्दीन शेख, प्रकाश रमेश्वर काबड़े उर्फ आदम, अरसलान मुस्तफा, कौसर आलम, धीरज गौतम राव जगपाल, सरफराज अली जाफरी, काजी जहांगीर और मौलाना उमर गौतम को भारतीय दंड संहिता की धारा 121 ए यानी कि राष्ट्रद्रोह के तहत आजीवन कारावास और 10,000 रुपए जुर्माना की सजा दी है। उप निरीक्षक विनोद कुमार ने 20 जून 2021 को इस मामले में लखनऊ के एटीएस थाने में एक एप्लीकेशन दर्ज कराई थी और उसी मामले के तहत इन सब पर आज कार्रवाई की गई है। लेकिन दूसरी तरफ रामगिरी महाराज ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक विवादित टिप्पणी करी है जिसके खिलाफ पूरे देश में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, उनकी गिरफ्तारी की मांग की जा रही है लेकिन अभी तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। दर्जनों मामलों के वीडियो आपने देखे होंगे। आए दिन कई हिंदूवादी नेता, कई बीजेपी के नेता मुसलमानों को मारने काटने की बात करते रहते हैं, उनके मदरसों और मस्जिदों पर लेकर टिप्पणी करते रहते हैं लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती, कोई गिरफ्तारी नहीं होती। बरेली के पंडित आर के शंखधर, जिन्होंने 78 मुस्लिम लड़कियों का धर्मांतरण कराया यानी कि उनको हिंदू बनाया है, इनके ऊपर ना कोई कार्रवाई हुई है ना ही कोई मामला बंद। 24 को उत्तर प्रदेश की एटीएस कोर्ट में हजरत मौलाना कलीम सिद्दीकी, उमर गौतम, सरफराज अली जाफरी, धीरज गोविंद जगताप, अरसलान आदम भूपिया बांगो और अन्य, इनके अलावा 12 लोगों को 121 ए में आजीवन कारावास और 10,000 रुपए का जुर्माना, 123 में 10 वर्ष की सजा और 50,000 रुपए का जुर्माना और अन्य तमाम धाराओं में अपनी मैक्सिमम सजा उसमें सुनाई है। इसके अलावा जो 4 लोग थे जिन पे 121 ए और 123 नहीं था, उन तमाम लोगों को भी जज साहब ने उत्तर प्रदेश विधि विद्युत धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम यानी धर्मांतरण का जो कानून है उसके जो सेक्शन 5 है उसमें मैक्सिमम सजा देते हुए 10 वर्ष की सजा सुनाई है। इस फैसले के खिलाफ हम लोगों के पास अभी हाईकोर्ट का मौका है और हमें तमाम अदालतों से पूरी पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह अजीज हमारे साथ इंसाफ होगा। ये पूरा मुकदमा जो प्रिजम्पशन पे कायम हुआ था इसमें हम तमाम वकीलों ने बहुत मेहनत और जानपहचानी के साथ, 16 के 16 जितने मुलजिमान हैं उन तमाम के वकीलों ने बहुत मेहनत के साथ इसमें अपना 100% दिया है लेकिन जज साहब की तरफ से जो फैसला दिया गया है वो हम लोगों के लिए निराशाजनक है और ये 264 पेज का पूरा जजमेंट है और इसके बारे में अभी हम और डिटेल में नहीं बता सकते हैं कि ये किन बिंदुओं पर उनके किस बारे में है ये सजा सुनाई गई है। तो अभी जब पूरा मुकदमा हमें उसकी जजमेंट की कॉपी मिल जाएगी उसके बारे में आपको हम डिटेल से बताएंगे।